हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का समय है और मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़े होकर मैंने ये वीडियो शूट किया है। और ये देखिए, मेरे पति देव की मस्ती चल रही है और बच्चों का होली कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है जो मेरे बेटे के रंग लगा रही है, और ये बाकी बच्चे फैमिली के आ गए हैं। मेरी दो सिस्टर कन्नौज में रहती हैं, तो ये उनकी फैमिली भी है। और हम सबका होली प्रोग्राम चालू हो गया है। और देखिए, अबीर और गुलाल की मस्ती भरी होली हो रही है। और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और ये देखिए किस तरीके से गुलाल लेके बच्चों के ऊपर डाल रही हैं और सबकी मस्ती चल रही है। और मेरे यहाँ होली हो और डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली खेलने के बाद हम सब भरपूर मस्ती के साथ डांस करने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। कितना भी कुछ भी हो, त्यौहार जब आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं तो उसका कुछ अलग ही मज़ा है, कुछ अलग ही इंजॉयमेंट है। तो मैं 2-3 साल से होली अपने सिस्टर के घर पर ही मनाने जाती हूँ। और अगर कभी ना जा पाऊँ तो बच्चे इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि मौसी आ जाओ, मौसी आ जाओ, तो वो मुझे जाना ही पड़ता है। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं अकेले अकेले होली मनाऊँ, तो मैं भी चली जाती हूँ और बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाता है और हम सब का भी चेंज हो जाता है। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरे हस्बैंड को कलर लगा रही है। और तो इस तरीके से हमारी मस्ती पार्टी चल रही है और सब एक दूसरे को कलर लगा करके बधाई दे रहे हैं और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी छोटी सिस्टर को कलर लगा रही है, उसके बाद ये छोटी सिस्टर के हस्बैंड है जिन्होंने मेरी दीदी को कलर लगाया है, और अब मेरी सिस्टर जा करके मेरे हस्बैंड को कलर लगा रही है। तो रिश्ता जीजा साली का है, तो मस्ती और एंजॉय तो बनता ही है। और बच्चों का तो बहुत ही मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि होली का त्यौहार एक ऐसा होता है इसमें छोटा बड़ा कोई भी नहीं माने रखता है, सब एक दूसरे को कलर लगाते हैं। तो कलर खेलने के बाद हम सब की शुरू हो गई है डांस पार्टी। तो सबसे पहले बच्चों ने डांस करना स्टार्ट किया है और उसके बाद हम बड़ों की भी छांव में बैठ गया। उसको धूप बहुत तेज़ लग रही है तो वो छांव में जा कर के बैठ गया। और बच्चों की भी डांस पार्टी चलती चली जा रही है और धीरे धीरे करके सिस्टर के घर के सामने ही देखिए बिल्कुल बहुत फुल मस्ती वाली पार्टी चल रही है जिसमें डांस चल रहा है। और ये मेरी सिस्टर के बेटे के दोस्त हैं जो कि रंग बिरंगी कलरफुल टोपियां और अलग अलग प्रकार की मतलब नमूनेदार टोपियां लगा कर डांस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी मस्ती पार्टी चल रही है। कन्नौज में एक साथ दो फेस्टिवल होते हैं जिसमें मॉर्निंग में सुबह होता है पतंग का प्रोग्राम, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और 10 बजे यानी 10 से 11 के बीच स्टार्ट होता है रंग, और वो दोपहर 2 से 3 बजे तक आराम से चलता है। उसमें सब दूसरे को जाके कलर लगाते हैं, मस्ती करते। तो उधर उन लोगों की पार्टी चल रही है और इधर के फ्लोर पर हम सब की पार्टी चल रही। तो जिसके भी हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, वो सब अपने अपने हिसाब से वीडियोज़ बना रहे हैं और डांस पार्टी चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं डांस करने के लिए। तो देखिए, ये फेस्टिवल है ही ऐसा कि छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपने रंग में रंग ही लेता है। और अब ये मुझे भी कह रहे हैं कि चलिए आओ मेरे डांस करो, यानी मेरे साथ डांस करो। और अब हम सब मिल करके डांस की मस्ती में इस तरीके से डूब गए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो डांस करने के बाद हम सब शुरू हो गया, तो हम
शेयर कर रहे और इन सब की अभी भी पार्टी जारी है और गुलाल और कलर के साथ साथ अब इनकी रेन पार्टी भी सूर्य ने किया। अब यानी कि पानी से अब ये लोग होली खेलने लगे हैं और पानी में मस्ती करते करते डांस कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से। तो इन लोगों की मस्ती चलने वाली है, पर हम लोग अपनी मस्ती ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी और उसके बाद हम सब नहा धो लेंगे और शाम को जाना है अभी सिस्टर के यहाँ। तो भाई दूज का प्रोग्राम चलने वाला है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियोज़ में कि देखिए मेरी बेटी के कितने सारे कज़न ब्रदर्स हैं और अभी तो कुछ कम ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ब्रदर हैं। जब वो बैठ जाते हैं तो लाइन से पूरी डोरी लग जाती है, यानी कि पूरी कतार लग जाती है। तो एक बार ऐसे शूट हुआ था तो बहुत सारे ब्रदर हो गए थे, तो मेरी जो सिस्टर हैं, तीन सिस्टर हैं हम मिला करके, तो सबसे छोटी सिस्टर के सिर्फ दो ही बेटे हैं और हमसे जो बड़ी सिस्टर हैं, हम सब चार सिस्टर हैं, तो चार सिस्टर में दो के सिर्फ बेटे हैं और हम तीन सिस्टर की एक एक बेटी है। तो भाई तो बहुत सारे हैं और हर सिस्टर के दो दो बेटे हैं। तो जब बेटियां टीका करने के लिए आती हैं तो इतने सारे ब्रदर होते हैं कि बहुत मज़ा आता है कि देखिए। और मेरे तीन भतीजे भी हैं, तो सब जब बैठ जाते हैं तो लगता है कि ओहो इतने सारे भाई हैं हैं और उन सबको भी बहुत मज़ा आता है कि हम सब हमारी सारी इतनी सारी बहनें। तो इनकी अभी भी पार्टी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और ये पार्टी पता नहीं ये लोग कब और कितनी देर तक करने वाले, मुझे तो नहीं पता ये कब ख़त्म होगी इनकी पार्टी। बट हम लोग अब थक गए हैं तो हम लोग जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और खाएंगे पिएंगे। इसके बाद हम सब आ गए अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड फ़ोटो खिंचा रहे हैं और ये छोटी सिस्टर के घर के आसपास का नज़ारा है। तो देखिए कन्नौज में बहुत ज़्यादा किले टाइप के घर बने, आज भी वहाँ पर बहुत सारे खंडहर आपको दिख जाएंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से करके दिखा रही हूँ, देखिए सिर के घर अभी भी वहाँ पर बहुत सारे बने हैं क्योंकि ये राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है, तो यहाँ पर किले भी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं नहीं जा पाऊँगी और नहीं दिखा पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी कन्नौज जाऊँगी तो मैं आपको कन्नौज के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो देखने लायक हैं और किले हैं जो देखने लायक हैं, तो मैं उन सबको आपको शूट करके दिखाऊँगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भर घर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो मैंने इसको भी अपने कैमरे में कैद किया और ये मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ी हूँ जिससे मैं शूट किया है। और दोपहर का इस समय समय है तो धूप लग रही है, तो मैं छांव में खड़ी होकर दिखा रही हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ जिससे मैं नीचे की लोकेशन आपको दिखा रही हूँ। तो अब सब सिस्टर के घर पर हैं, तो देखिए फोटो सेशन का कार्यक्रम चालू हो गया है। उनके घर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो हाथी घर पे बने हैं और माता लक्ष्मी को जल चढ़ा रहे हैं, तो उस फोटो को मैं अभी आपको बिल्कुल जूम करके इसमें लगा दूंगी। ये देखिए सबका फोटो सेशन कार्यक्रम चालू हो गया है और अब बाय दूज का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। दादा वो आशीर्वाद तो डंडा है। अब किसके करना है? अकाल बड़ा की मान अकाल बड़ा अकाल बड़ा हर जा भाई का अपन ये किसने दिया अकाल बढ़िया है। अरे है हमारे पास जो कुछ इधर को मुंह लगा इधर मुंह को इधर इस तरफ आ दीदी इधर से बनाओ हम बना रहे हैं बना देखो इधर इधर देखो ठीक है देखो देख तो कैसे दे नहीं रुक जा नहीं रुक जा नहीं देखो वो खोलो खींचो खींचो बाद में खाएगा पहले खिंचा ले खाते हुए बहुत उस्ताद है वो फोटो खिंचा फोटो ना जान हाँ बहुत बढ़िया फोटो डालता है। एक बात है इसकी फोटो अच्छी भी आती है। चीनू तुम्हारी गुजिया में रोली लग गई। अरे हटा दो तुम रोली लग गई रोली लेके भाई नहीं खाना आओ कौन ये यार पन्नी में तो पानी गिर रहा है। हां बस अरे बंदर भाई नमन क्यों बना फोटो खींचो ला हां हिला दिया तुमने घर पे ले देखो जरा नमन
चीनो हटो यार, उधर और उधर 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 से खोल के सही कर दो। ये नहीं करे तो नो तो कर। आओ कौन है हम बड़े मुझे भी लगता हूं। रुक जाओ पकड़ रहा हूं मुझे भी लगता हूं। फोटो खींच देख सबके संग। वीडियो का बनाने लगती है। वीडियो बना रहे फोटो तो खींच गई। अगले महीने आ जाओ। अगले महीना करा दे भाई। हमारे पास कोई आ जाए तुम अच्छा देखो इधर इधर देखो इधर अमन। हां हां लगा ले। देखो चक्कर में मोबाइल चला गया। हमारी फोटो खींची देखा। आओ अरे चावल हां इसको गुजिया दो। सुना ली तुमने हमारे संग का के जाए बोलो। अब लोग बैठो ना सीखा जाता है बेटा। खाओ हेलो मीठा क्या होगा क्या तुम्हारा क्या किस चीज का कष्ट है बेटा। बड़ी मुट्ठी किए चीनू के। हां तब भैया कौन है घंटी किसकी बज रही है। कोई आया वन बजता घंटी नीचे की है। ऊपर नीचे दोनों की है। मुंह तो खोलो चलो छोटे साथी से ले पैसा ले लो। इनका 18 तारीख को बर्थडे है वहाँ दिल्ली में मनाएंगे। ठीक है देख लो वही रहेंगी। कैसे देखो प्लान करो। ये पागल बैठा कौन है इसका ना इसका क्या नाम है। तीन उंगली तुम्हारी तरफ है। तीन इसका क्या नाम है। इसका नाम है छोटी छोटी एंड एंड गोकू नहीं एंड गोकू अपना पूरा नाम बता। छोटी एंड आयुष वीडियो बन रही है ये डाली जाएगी YouTube पे डाली जाएगी पहले बता। हाँ बोलो। और ये फोटो से रुका नहीं है। ये कन्नौज में ही एक पड़ोसी बगल में रहते हैं। ये उनका पेट है और जिसका नाम है टिंगारू। तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच के दिखाई कि जब सिरुआ बड़े हो गए तो आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लगोगे। और ये सिस्टर का बेटा उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। तो अब आज के ब्लॉग को बस यहीं पर एंड कर रहे हैं। कैसा लगा आपको मेरा होली फुल मस्ती ब्लॉग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको यहाँ का नज़ारा। अगली बार मैं आपको ज़रूर सब कुछ दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।